ये है दिल्ली दर्पण। देश के उभरते युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में आरोपी सुशील पहलवान पुलिस की 10 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में चश्मदीद अमित ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी जान को खतरा बताया है। अमित की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 लगाने के आदेश भी दे दिए हैं। इस आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस को एक हफ्ते के भीतर सभी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सुशील कुमार के ऊपर आरोप है कि उसका गैंगस्टर्स और बहुत ही गंभीर अपराधियों के साथ उसका ताल्लुकात, इस वजह से जो अमित कुमार है बहुत डरा हुआ था, धमकियों के फ़ोन आ रहे थे, घर वालों को डराया जा रहा था कि आपके बेटे को अलग अलग मुकदमों में फंसा दिया जाएगा, इसलिए अमित कुमार के पास कोई भी अब रास्ता ना बचने की वजह से हाईकोर्ट के गुहार लगानी पड़ी। इसके तहत आज हमने हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी जो कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री सुरेश कैट साहब के सामने आई। उन्होंने इस पिटीशन का संज्ञान लेते हुए इस केस में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लागू करने का निर्देश दिया। अमित ने अपनी याचिका में सुशील पहलवान की ऊंची पहुंच, पैसा और उसके गैंगस्टरों से रिश्ते होने का हवाला देते हुए कहा है कि वो बहुत डरा हुआ है, उसे लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। ऐसी पहुंच वाले जांच प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकते हैं और गवाहों को भी तोड़ सकते हैं। खबर है कि आरोपी सुशील की तरफ से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन समय रहते विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू हो जाने से पूरे मामले में संलिप्त आरोपियों के लिए ये पैंतरा भी मुश्किल ही काम आएगा। जांच प्रक्रिया के समय ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी कि कल को एक ये नया आयाम रखे ये केस कि किसी भी विटनेस को डराया धमकाया जाने की किसी भी तरीके से कोई स्थिति ही नहीं पैदा होने दी गई। ये सबसे अच्छा चीज़ है इस केस में। और आज से पहले इन्वेस्टिगेशन की इतनी अर्ली स्टेज में ये संज्ञान नहीं लिया गया है, तो हम इस चीज़ में ऑनरेबल हाई कोर्ट का सम्मान रखते हुए प्रशंसा करते हैं कि ये जाँच निष्पक्ष बिगर भय के हो सके, उन्होंने ये संज्ञान। कानूनी हलकों और जानकारों में इस बात की खूब चर्चा है कि सागर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सुशील को बचाने की कवायद जोरों पर चल रही है। गवाही बदलने या गवाह के मुकरने से मामला कमजोर पड़ सकता है, लिहाजा ऐसे समय में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सागर धनखड़ को इंसाफ दिलाने में जरूर सहायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर